क्या आप सभी लोग लव एट फर्स्ट साइट पर यकीन करते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये कहानी आपको और रोमांचित करेगी। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो शायद आज आपके विचार बदलने वाले हैं, क्योंकि आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे दो लोग एयरपोर्ट पर मिलते हैं और उन दोनों में बातें आगे बढ़ती हैं। लेकिन शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अब वो चीज क्या थी, आइए जानते हैं इस कहानी में। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लव एट फर्स्ट साइट। कहानी की शुरुआत होती है एक एयरपोर्ट से, जहां पर हमको हार्डले नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपनी फ्लाइट लेने के लिए भाग रही थी। लेकिन जब तक हार्डले अपनी फ्लाइट के लिए जाती है, तब तक काफी देर हो चुकी थी, यानी हार्डले की फ्लाइट छूट जाती है। दरअसल हार्डले लंदन जा रही थी अपने पिता की शादी में, लेकिन फ्लाइट छूट जाने के कारण वो सबसे पहले अपने पिता को कॉल करती है। वो उन्हें इन्फॉर्म करती है कि उसकी फ्लाइट छूट गई है और अब वो नेक्स्ट फ्लाइट से लंदन आएगी। अब परेशान होकर हार्डले एक काउंटर पर जाती है, जहां पर बैठे सभी लोग अपना मोबाइल और लैपटॉप चार्ज कर रहे थे। लेकिन जिस जगह हार्डले बैठी थी वहां का सिस्टम ही खराब था। यहां पर हमको पहली बार ओलिवर को दिखाया जाता है। दरअसल हार्डले के बगल में एक लड़का बैठा हुआ है, जो उसको अपना चार्जर देता है फोन चार्ज करने के लिए। चार्जर देते वक्त हार्डले और ओलिवर की नजरें मिलती है। ऐसा लगता है मानो जैसे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया हो। खैर आगे हम देखते हैं कि हार्डले इस बंदे का चार्जर लेकर अपना फोन चार्ज करने लगती है, साथ ही दोनों मिलके बातें भी करने लगते हैं। अब चूंकि दोनों की फ्लाइट को काफी टाइम था, इसीलिए दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्यों ना चलकर कुछ खा लिया जाए। हार्डले और ओलिवर दोनों ही एयरपोर्ट के एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए एक दूसरे से बातों ही बातों में बताते हैं कि वो कहां पर जा रहे हैं, जिसमें हमको पता चलता है कि वो दोनों तो लंदन ही जा रहे हैं। इनफैक्ट दोनों की फ्लाइट भी सेम थी। इन बातों से साफ नजर आ रहा था कि दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्टेड है। वैसे यहाँ पर हार्डले ओलिवर को बताती है कि कैसे उसकी पहली फ्लाइट छूट गई। तभी इन दोनों की बातों के बीच इनको पता चलता है कि फाइनली उनकी फ्लाइट आ चुकी है। जल्दी वहाँ से निकलकर ये दोनों फ्लाइट में पहुँच जाते हैं, जहाँ सैडली ओलिवर की सीट तो किसी और जगह पर है और हार्डली किसी और जगह पर। ओलिवर इससे थोड़ा निराश होता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली, या फिर आप बोल सकते हैं कि फॉर्चुनेटली, उसको पता चलता है कि उसकी सीट बेल्ट तो टूटी हुई है। इसीलिए अब ओलिवर के बुलाने पर एयर होस्टेस वहां पर आती है, जो ओलिवर को दूसरी सीट पर जाकर बैठने को कहती है। मगर बाय चांस हार्डले के बगल वाली सीट भी खाली होती है। एयर होस्टेस ओलिवर को इशारा करके उसी सीट पर बैठने को बोलती है। ये देखकर तो हार्डले बहुत खुश हो जाती है। इनफैक्ट वो दोनों ही खुश हो जाते हैं। दोनों में बातें चालू हो जाती हैं और ओलिवर बताता है कि उसकी पहली वाली सीट की सीट बेल्ट टूटी हुई थी। अब यहाँ पर हम इन दोनों को देखकर समझ पाते हैं कि हार्डले और ओलिवर दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट होता है, और जब भी वो साथ में होते हैं दोनों अपनी दुनिया में खो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि मानो बाकी आसपास की दुनिया थम सी गई हो। खैर ओलिवर हार्डले से उसके लंदन जाने का रीजन पूछता है। ऐसा करके वो हार्डले के बारे में और जानना चाहता था। हार्डले बताती है कि वो लंदन अपने फादर की शादी में जा रही है। यहाँ पर हार्डले अपने फैमिली के बारे में भी ओलिवर को खूब बताती है। हार्डले की इन सब बातों को सुनकर ओलिवर भी बताता है कि वो लंदन किस काम के लिए जा रहा है। दरअसल ओलिवर अपनी माँ से मिलने जा रहा है, जो कि कैंसर पेशेंट है, जिसके साथ वो ये भी बताता है कि उसके काफी समझाने पर भी उसकी माँ इलाज नहीं करवा रही है। ओलिवर की बातें सुन हम समझ पाते हैं कि ओलिवर अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और किसी भी हालत में उन्हें खोना नहीं चाहता। ओलिवर की ये सारी बातें सुनकर हार्डले दुखी हो जाती है। अब बातों को आगे बढ़ाते हुए ओलिवर बोलता है कि आज मेरी माँ की सालगिरह है, जिस पर मैं जा रहा हूँ। इनकी बातों के बीच माहौल काफी इंटेंस हो जाता है, इसीलिए अब ये दोनों फ्रेशन अप होने के लिए जाते हैं। लेकिन बाथरूम में पहले से कोई होता है, इसीलिए वो बाहर ही वेट करते हैं। अब इंतजार करते हुए हम देखते हैं कि दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों किस करने वाले होते हैं, वो बाथरूम वाला आदमी बाहर आ जाता है, जो इनके मोमेंट को खराब कर देता है। अब अगला सीन सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ फाइनली उनकी फ्लाइट थोड़ी देर में लंदन पहुँचने वाली है। इसीलिए ओलिवर हार्डले से पूछता है कि तुम्हारे फादर की शादी कहाँ पर हो रही है। वैसे तो हार्डले कभी लंदन गई ही नहीं थी, ये उसके लिए पहली बार था। लेकिन जितना भी वो लंदन में जानती थी वो ओलिवर को बता देती है। यहाँ पर हार्डले भी ओलिवर से पूछ लेती है कि वो कहाँ रुकने वाला है। यानी अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो ये दोनों एक दूसरे का पता जानने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के बीच पहली नजर का प्यार हो चुका था। दोनों में एक केमिस्ट्री बिल्ड होती नजर आ रही थी। आगे हमें लंदन का एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ से आगे दोनों को अलग अलग रास्तों से बाहर निकलना था। यहाँ पर हम महसूस करते हैं कि दोनों के मन में एक डर है कि कहीं वो बिछड़ने वाले तो नहीं है।
इसीलिए ओलिवर हार्डली से उसका मोबाइल मांगता है और अपना नंबर डायल करके उसको दे देता है। अब जिस रास्ते से ओलिवर को बाहर जाना था वो रास्ता बहुत खाली था, इसलिए वो तो जल्दी से बाहर निकल जाता है। जबकि हार्डले जिस रास्ते से बाहर जाने वाली थी उसमें काफी भीड़ थी, और तभी लाइन में इंतजार करने के दौरान एक बंदा हार्डले से आकर टकरा जाता है, जिससे उसका फोन स्विच हो जाता है। उसी के साथ अब ओलिवर का नंबर भी जा चुका था। काफी देर के बाद जब हार्डले एयरपोर्ट से बाहर निकलकर आती है तो उसकी आंखें चारों तरफ बस ओलिवर को ही ढूंढ रही होती हैं, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिलता। और इसी भारी मन के साथ हार्डले टैक्सी बुलाती है और अपने फादर के घर के लिए निकल जाती है। अब जाके कहीं हार्डले अपने फादर की शादी में आ पाती है, जहाँ कुछ समय बाद उसके फादर और उसकी स्टेप मॉम की शादी होते हुए दिखाया जाता है। शादी में सब खुश थे सिवाय हार्डले के, क्योंकि हार्डले अपने फादर की शादी में प्रेजेंट तो थी लेकिन उसका मन तो अभी भी बस ओलिवर के ख्यालों में खोया हुआ था। खैर, अब शादी के बाद हार्डले के फादर उससे मिलने आते हैं और अपनी बेटी से मिलकर वो बहुत खुश होते हैं। उनके साथ हार्डले की नई स्टेप मॉम भी होती है, जो हार्डले को गले लगाती है। शादी के इस माहौल में हार्डले अकेली एक कोने में चुपचाप बैठी होती है। इस वेडिंग फंक्शन में बहुत से लोग हार्डले के मदर फादर को शादी की बधाइयां देते हैं। वहीं एक कपल हार्डले की माँ से कुछ बातें कर रहे होते हैं। दरअसल ये उनको बता रहे होते हैं कि उनके पड़ोस में एक लेडी को कैंसर था और आज उसका फ्यूनरल है, जिसका बेटा आज ही लंदन आया है। ये सब सुन हार्डले समझ जाती है कि ये ओलिवर की ही बात कर रहे हैं। इतना सुनते ही हार्डले हाथ में फ्लावर लिए ओलिवर से मिलने के लिए चली जाती है, जहां उसके चेहरे से हम खुशी को साफ देख सकते हैं। यहां से सीन बदलता है और हमें वापस से लंदन एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहां ओलिवर जल्दी बाहर निकलने की वजह से हार्डले का इंतजार करता है। ओलिवर हार्डले का वेट काफी देर तक करता है, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती। अब हार्डले का इंतजार करते हुए उसको काफी देर हो जाती है। हार्डले तो बाहर नहीं आ पाती, लेकिन ओलिवर का भाई उसको रिसीव करने आ जाता है। ओलिवर अपने भाई के साथ चला जाता है, इसीलिए जब हार्डले बाहर निकल कर आई थी तो उसको ओलिवर नहीं दिखा था। जिसके बाद आगे हमें ओलिवर का घर दिखाया जाता है, जहां ओलिवर आकर अपनी फैमिली से मिलता है, जहां पर हम देखते हैं कि उसकी माँ तो जिंदा है। दरअसल ये सब ओलिवर की मॉम का आइडिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि उनका फ्यूनरल उनकी आंखों के सामने हो और ये फ्यूनरल शोक में नहीं बल्कि खुशी से मनाया जाएगा। अब फ्यूनरल सेरेमनी में ओलिवर के पेरेंट्स अपनी फैमिली के बारे में बेहद खूबसूरत सी, दिल को छू लेने वाली स्पीच देते हैं। स्पीच खत्म होने के बाद ओलिवर अपनी मॉम को समझाता है कि प्लीज आप अपना इलाज करा लो, लेकिन ओलिवर की मॉम ये कहते हुए इससे इनकार कर देती है कि बेटा आज नहीं, लेकिन कल तो सबको मरना ही है ना, इसलिए मैं अपना आखिरी टाइम एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने अंतिम समय में दूसरों पर बोझ बनूं। कहानी में अब आगे हम फिर से हार्डले से मिलते हैं, जो जैसे तैसे पता करके ओलिवर की मॉम के फ्यूनरल पर पहुंच जाती है, जहां वो सबसे पहले ओलिवर के भाई से मिलती है। उससे मिलकर फाइनली इसको कंफर्म होता है कि ओलिवर यहीं रहता है और वो सही एड्रेस पर आई है। अब हार्डले जब अंदर जाती है तो उसको पता चलता है कि ओलिवर की मॉम तो अभी जिंदा है। ये देखकर वो सरप्राइज्ड हो जाती है। तब जाकर हार्डले को ये पता चलता है कि इन लोगों ने इनका फ्यूनरल पहले ही रख दिया है। अब इसी बातचीत के दौरान ओलिवर वहां पर आ जाता है, जो हार्डले को देख बहुत खुश होता है। दोनों की आंखें फिर से एक बार मिलती है, जहां साफ साफ हम उनकी आंखों में एक दूसरे के मिलने की बेचैनी देख सकते थे। दोनों आके मिलते हैं और गले लगते हैं, मानो जैसे जन्मों जन्म के बिछड़े दो आशिक मिल रहे हों। वैसे हार्डले को अचानक यहाँ पर देखकर ओलिवर थोड़ा शॉक था, क्योंकि उसके नंबर देने के बाद भी हार्डले का उसके पास कोई कॉल नहीं आया था। अब साथ में समय बिताने के लिए वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं, जहां हार्डले कहती है कि मुझको पता चला था कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई थी। जिस पर ओलिवर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल ऐसा उसकी मॉम करना चाहती थी। जिसके बाद ओलिवर हार्डले से उसके फादर की शादी के बारे में पूछता है, जिस पर वो बोलती है कि सब कुछ हो ही गया है, बस शाम को एक प्रोग्राम है उसको अटेंड करके मुझको वापस जाना था, लेकिन अब लगता है कि शायद मुझको और रुकना पड़ेगा। अब बातों ही बातों में हार्डले भी ओलिवर से पूछ ही लेती है कि उसने फ्लाइट में उसको ये क्यों नहीं बताया था कि उसकी माँ कैंसर से मरने वाली है। तब यहाँ पर ओलिवर कहता है कि क्या बताता कि मेरी मॉम मरने वाली है, मुझको ये सब बताना ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैंने तुमको नहीं बताया। ये सब सुन हार्डले कहती है कि मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपनी फीलिंग्स अपने दिल में दबा कर रखते हो और लोगों से शेयर नहीं करते हो और सबको दिखाते हो कि तुमको इससे कोई फर्क
फर्क नहीं पड़ता। हार्डली की इन बातों से ऑलिवर को हर्ट होता है और वो इन बातों से थोड़ा नाराज हो जाता है, जहाँ पर वो हार्डली से कहता है कि तुम अभी मुझको जानती ही कितना हो। ऑलिवर के इस बर्ताव को देखकर हार्डली बताती है कि मेरा तुमको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था और शायद मैंने यहाँ पर आकर गलती कर दी। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से वापस चली जाती है। तभी एक लड़की हार्डली का बैग ऑलिवर को लाकर देती है। दरअसल गुस्से में हार्डली अपना बैग यहीं पर भूलकर चली जाती है। ऑलिवर हार्डली का बैग ले लेता है। वहीं दूसरी ओर काफी दूर जाकर हार्डली को एहसास होता है कि वो अपना बैग वहीं ऑलिवर के पास ही भूल आई है, जिसमें उसके पैसे भी थे और तो और उसके फोन की बैटरी भी डेड थी। काफी देर लंदन की सड़कों पर घूमने के बाद उसको एहसास होता है कि शायद वो अपने घर का रास्ता भूल गई है। हार्डली के फादर उससे जगह के बारे में पूछते हैं और काफी समय इंतजार करने के बाद हार्डली के फादर फाइनली आ जाते हैं और मिलते ही सबसे पहले वो हार्डली को गले लगाते हैं, क्योंकि वो भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। हार्डली के फादर उसे पूछते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिसका जवाब देते हुए हार्डली अपने फादर को ऑलिवर के बारे में सब बता देती है कि कैसे वो लोग फ्लाइट में मिले और देखते ही देखते उनमें कब प्यार हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। वो बस उससे मिलने बाहर निकली थी, लेकिन शायद मेरा ये डिसीजन गलत था क्योंकि अभी मैं उसको जानती ही कितना हूँ और मैं उससे मिलने चली गई। हार्डली के फादर उसको समझाते हैं कि ऐसे हो जाता है, इसमें इतना सैड होने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर ऑलिवर और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जिसको शायद अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। इनफैक्ट ऑलिवर के पेरेंट्स भी उससे कहते हैं कि वो लड़की बहुत अच्छी थी, तुम्हें उससे जाकर अच्छे से बात करनी चाहिए। ये सब सुनकर ऑलिवर हार्डली से मिलना तो चाहता है, लेकिन उसके पास तो उसका कोई एड्रेस भी नहीं है। इसी चर्चा के दौरान ऑलिवर के फादर को हार्डली के बैग से उसके फादर का इन्विटेशन मिल जाता है, जिस पर एड्रेस भी होता है, और उस चीज के जरिए फाइनली हार्डली की लोकेशन पता चल जाती है। अब एक और मिनट की देरी ना करते हुए ऑलिवर और उसकी फैमिली हार्डली की तलाश में निकल जाते हैं। अब हम हार्डली को उसके फादर के फंक्शन में देखते हैं, जहां पर वो अपने फादर के साथ डांस कर रही होती है। थोड़ी देर में ऑलिवर और उसकी फैमिली फंक्शन वाले एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहां तो सब कुछ खत्म हो चुका था। सब पैकिंग करके जा चुके थे, इनफैक्ट दरवाजे भी बंद हो गए थे। इससे परेशान ऑलिवर हार्डली को हर जगह ढूंढता है, मगर कुछ ही देर बाद एक खिड़की से वो देखता है कि हार्डले सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही है। अब ऑलिवर को यहाँ पर देख हार्डले भी शॉक्ड थी, या फिर हम बोल सकते हैं कि इमोशनल के साथ ही वो खुश भी थी। हार्डले को देखते ही ऑलिवर उसके बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। यहाँ पर हार्डले की आंखों से साफ पता चलता है कि उसने तो ऑलिवर को देखते ही माफ कर दिया था, क्योंकि सच्चे प्यार में ईगो कभी बीच में नहीं आता। यहाँ दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं और किस करते हैं। इसी के साथ आज की लव स्टोरी खत्म हो जाती है। वेल, लव कहने के लिए तो चार लेटर्स का वर्ड है, लेकिन इसकी डेप्थ का किसी को कोई अंदाजा नहीं है। इस आम सी जिंदगी में प्यार वो एक एहसास है जो आपको स्पेशल फील कराता है। प्यार कोई खोजकर मिलने वाली चीज नहीं है, ये तो बस हो जाता है। वेल, इसी सेइंग के साथ अलविदा लेते हैं एक सवाल के साथ। क्या आप लव एट फर्स्ट साइट पर यकीन करते हैं? अगर हाँ तो शेयर योर थॉट्स और स्टोरी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।